दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उमेश। और आज का जो पेच है वो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, डीजे विथ दुगुन वाला पेच है। आप इसको बजाएंगे तो इसके अंदर क्या क्या मैंने यूज किया है वो आपको बता देता हूं। एक तो है ढोलक की टाची और ढोलक ये ढोल की भी टाची है। इसको बजाएंगे तो आपको इतनी मिठास वाला और बहुत ही शानदार पेच है, एकदम मजा आने वाला है लाइव में। आप मतलब अगर कोई नहीं होगा ढोलक वाला भी तो सिर्फ कीबोर्ड सिंगर और पेड से भी काम चल जाएगा, उतना फास्ट और मजेदार पेच है। आप इसको जरूर एडिट करके आप मेरे को बताइएगा और यूज करके बताइएगा कि आपको ये पेच कैसा लगा है। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। और एक बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करते लेकिन लाइक नहीं करते, अरे लाइक कर दो, फ्री है, सब कुछ फ्री 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 है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी फ्री है, आप उतना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारा मैंने वीडियो वीडियो एडिटिंग वाला पेज बनाया हुआ है तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो हर हफ्ते में डालता रहता हूं तो उसको भी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम एडिटिंग की तरफ, और थोड़ा बहुत मैंने प्लेइंग बताने की कोशिश की है तो आशा रखता हूं आपको ये पेज जरूर पसंद आएगा। तो चलते हैं अब हम एडिटिंग और प्लेइंग की तरफ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये हो गया एक पैटर्न, उसका दूसरा ये ढोल वाला देखिए। स्लो मोशन तो शुरू करते हैं अब हम इसका एडिट। तो सबसे पहले जाएंगे एडिट में, आपको बता देता हूँ मैं सिर्फ इसकी डिस्प्ले ही आपको शो करूँगा, ठीक है। बहुत शानदार पेज है ये, देखो ये पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। बारी बारी में एक एक करके आपको सारा का सारा एकदम साफ बताने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं अब हम एडिट, तो उसके पहले मैं उसका एफएक्स और लेयर्स दोनों बंद कर देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे ए बैंक का एडिटिंग पेज नंबर 1 से, तो है L30 30, उसके बाद T35, I02, B47, I24 ढोलक का ना है, और L30 ये ढोल वाला पेच टाची जो होती है, B47, H
इलेवन, 11, ठीक है। अब उसका देखेंगे लेवल, 3, 10, 10, 10, 8, 10, 12 और 10। पिच इसका 0, 0, 0, 4, -3, 2, 0, -3 और 0। -3 की जगह आप इसको 2 रख देंगे, ठीक है ना। डीके देखेंगे, 13, 13, 31, 15, 15, 15, 16, 15, 15 और 15। पेन सभी में सेंटर रहेगा और कर्व जो है XP3 रख दो आप, ठीक है ना। XP4 रखोगे तो भी चलेगा, XP3 रखोगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। FX 1, 0, 15, 15, 0 और 0। तो अभी हम देखेंगे बैंक बी का LED। पेज नंबर 1, I 20, L 30, 30, 30, H 11, D 01, L 27, L 27, H 01 और I 02। अब उसका देखेंगे लेवल, 15, 7, 8, 10, 7, 10, 10 और 8, 8। पिच देखेंगे इसका 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 3, मतलब आपका एक नंबर में 6 नंबर का पीच है और 8 नंबर में 3 नंबर वाला पीच है, ठीक है। डीके देखेंगे 31, 15, 10, 25, 25, 10, 10, 15 और -5। पेन सभी में सेंटर रहेगा, कर्व सभी में XP3 रखना है। FX देख लेते हैं, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 0, 0 और 0, क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किया है डिले वाला, इसलिए 0 रहता है, ठीक है। अभी उसका FX यूटिलिटी कौन सा है, तो मैंने रखा है डिले टाइप 1। टाइमिंग है उसका 6, लेवल 15, इक्विलाइजर कंप्रेसर सब मैंने ऑफ रखा है, नाम मैंने नहीं रखा है, सिर्फ 91 नंबर वाला पेज है लेजिम वाला, उसके अंदर मैंने एडिट किया है, ठीक है।